न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। यूं तो आपने टीवी चैनल्स पर और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी देखा होगा कि किस तरह से लोग बात करते हैं कि किसकी कुंडली में कितना दम है, कौन सी कुंडली क्या असर दिखा सकती है, देश के भविष्य में कहां पर किसका कितना बड़ा रोल रहने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के सीजीआई, जी हाँ, देश के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी की कुंडली को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अहम फैसले ऐसे हैं जो वो ले चुके हैं, जो अभी ऑलरेडी उनके कोर्ट में लंबित चल रहे हैं और आगे लेने भी हैं। नवंबर में वो रिटायर होंगे, उससे पहले किस तरह से देश को दिशा देने का काम वो कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं ज्योतिष आचार्य सुरेश दुबे जी से और समझेंगे कि किस तरह से अब उनकी कुंडली जो है वो असर दिखा सकती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में दुबे जी। आपसे ये पहला सवाल है कि क्या डीवाई चंद्रचूड़ जी की कुंडली, जो देश के न्यायमूर्ति हैं, जो देश की सीजीआई हैं, उनकी कुंडली का क्या कहती है वो, कि क्या असर हो सकता है भविष्य में देश में अहम फैसलों पर, और किस तरह के व्यक्तित्व वो रखते हैं। जी मैम, सबसे पहले सभी दर्शकों को और आपको सभी को नमस्कार मेरा। देखिए, हम लोग आज चर्चा करेंगे सीजीआई चंद्रचूड़ जी की कुंडली, जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश रूप में काम कर रहे हैं इस समय। जो हमने इनका डेट ऑफ बर्थ या कुंडली जो इनका मैंने जिस प्लेटफॉर्म से उठाया है उसका सही ये एक्यूरेट टाइम न मिल पाने के कारण, तो इनके जो उस दिन इनका जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ है, और उस दिन चूंकि बर्थ टाइम ना सही मिल पाने के कारण हमने चंद्र कुंडली राशि कुंडली बनाई है, और राशि कुंडली भी जब जन्म जन्मांक चक्र ना मिले तो राशि कुंडली भी वैसा ही काम करती है, और गोचर को दिन के ग्रह जो होते हैं वो बहुत कुछ बोल जाते हैं इन सब के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं। उनका जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था, और इनका राशि से चंद्रमा जो है वो मीन लगन पे थे। अब मीन लगन पे अब इनके कुंडली हम देखे हैं तो इनके न्याय के जो कारक ग्रह शनि है, और जो न्याय के जो स्थान होता है तुला राशि होती, न्याय का राशि तुला होती है, और तुला के ऊपर खुद शुक्र का बैठना, उस राशि के स्वामी का बैठना, और शनि की दृष्टि पर होना इनको न्यायाधीश बनाया। सफल कैसे हुए? राहु 10 डिग्री पे, शुक्र 8 डिग्री पे, जो इनके कुंडली में नागमणि योग बनाते हुए इन्हें मान सम्मान धन प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ दे रहे हैं, और शनि राहु की संबंध, शनि की दृष्टि राहु पे, इनको बहुत ही मजबूत स्थिति में न्यायाधीश के रूप में इनको प्रतिष्ठित किया है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि जब इनकी जो जो तुला राशि है उसके ऊपर सूर्य मंगल का योग बना हुआ है, तो सूर्य राज्य है और मंगल एक एग्रेसिवनेस का घोतक है, बहुत एग्रेसिव और बहुत तेज़तर्रार, और दोनों अग्नि पर अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो बहुत तेज ले आते हैं। तो आप देखेंगे इनके फैसलों में ना, ये बिना डरे हुए, सूर्य राज्य है, राजा है, सूर्य जो हमारे राज्य संबंधित कार्य है वो है, तो उन पर भी इनका बड़ी बेबाकी के साथ ये निर्णय लेते हैं, कृतज्ञता के साथ निर्णय लेते हैं, और अपने निर्णयों से बहुत अच्छे से प्रभाव डालते हैं, अपने निर्णय लेते हैं, अपने जजमेंट्स बिना किसी दबाव के लेते, बिना किसी दबाव के और बिना डरे हुए, और बहुत ही जोखिम, मंगल जोखिम भी देता है, जोखिम भरे निर्णय लेते हैं, क्या होगा आगे पीछे क्या होगा इसकी परवाह नहीं करते, और कभी भी पक्ष में हो या विपक्ष में हो फैसले ये बहुत तगड़े से लेते हैं। देखिए, इन्होंने कुछ अब एक बात हम इन्होंने इनके समय में सबरीमाला, राम जन्मभूमि जैसे धार्मिक मुद्दे भी इन्होंने समाधान किए हैं, बहुत अच्छे समाधान किए हैं, और इनका सब ज्ञान देखा जाए तो इस धार्मिक मामलों में भी या इस तरीके के फंसे देने में भी बहुत इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। कारण क्या है? इनके कुंडली में जिस दिन का जन्म हुआ था, बुध और गुरु की युति हो रही है, बुध लौकिक बुद्धि है और गुरु पारलौकिक बुद्धि है, इनको उतना ही संसारिकता का उतना ज्ञान होगा और उतना ही इनको पारलौकिकता का ज्ञान होगा,
है ना। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, और ये धर्म भाव पे बन रहे, राजभाव बन रहे, राशि के हिसाब से जो धर्म भाव है, राज का कृपा का भाव है, उस भाव को बन रहा है। तो ऐसे भी निर्णय में ये बेबाकी के साथ और पूरे ताकत से लेंगे निर्णय। अगर इनके सामने मथुरा का केस आया अभी, या के ये जो वाराणसी में समय ज्ञान वापी वाला चल रहा है, अगर ये सब केस इनके सामने आते हैं, ऐसे ही ये बहुत ही अनोखे अद्भुत फैसले करेंगे, और बिना किसी डर के, बिना किसी उसके। जी अगर एक बात और आपको बताएं, हमारे सीजीआई साहब बड़े यंग दिखते हैं, बड़े आकर्षक दिखते हैं, कम उम्र के दिखते हैं, तो उसका कारण भी समझ लीजिए, शुक्र का और चंद्रमा का आमने सामने बैठना, जो उनको बहुत ही आकर्षित व्यक्तित्व का और बहुत ही कम उम्र का यंग दिखाने वाला प्रभाव से युक्त है। और केतु साथ में बैठा हुआ है, तो हमेशा इनको उच्चताप रखता है और बहुत स्वार्थ बुद्धि का भी बनाता है, उनका बहुत ही इनका तेज दिमाग का बनाता है केतु। अरे केतु जहां भी होता है तो वो एकदम ऊपर पताका की तरह एकदम ऊपर टांग एकदम ऊपर सकता है, और इनके राशि के साथ, राशिशा के साथ बैठे हुए मीन राशि नहीं केतु, मीन और केतु मीन राशि में बहुत ही ऊंचाई प्रदान करते हैं, और इस वजह से ये आगे इनका भविष्य जो ये थी, ये चंद्रचूड़ जी जो है आगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये रिटायर्ड भी हो जाएंगे तो उसके बाद भी ये आगे चाहे किसी भी क्षेत्र में ये ऊपर की ओर जाएंगे, हमेशा ऊपर की ओर जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और सफलताएं प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इनका देखिए, इनका दो विवाह हुए हैं, और दो विवाह के पीछे कारण यही है, इनका जो हम लोग पत्नी का कारक को मानते हैं राहु के साथ उसका संबंध, जब पिनांगमणि योग बना रहा है, धन संपदा वैभव संपत्ति सब कुछ दे रहा है, लेकिन स्त्री के मामले में जैसा इनका दो विवाह कराया, एक स्त्री का क्षय किया, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में थोड़ी कमी उनको प्रदान राहु की वजह से ये ऐसा होता है इनके साथ। जी तो यहाँ पर आपने एक एक अहम सवाल ये भी है, क्योंकि नवंबर में वो रिटायर हो जाएंगे, क्या उसके बाद भी ऐसा दिखाई देता है कि नवंबर के बाद भी उनका करियर जो है और आगे बढ़ेगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी क्या वो एक्टिव रहने वाले हैं? जी ये एक्टिव रहने वाले हैं, और जब अभी अभी से राशि लाड के साथ केतु बैठा हुआ है, अगर राशि को हमने लग्न बना लिया है, वहां पे केतु बैठा हुआ है, उच्चतम शिखर बैठा हुआ है, तो ये मान के चलते हैं कि ये आगे सर्वाइव करेंगे, चाहे रिटायर्ड हो जाए उसके बाद भी ये जिस भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं और काम कर सकते हैं, और उसमें भी ऊंचाई पे ये बने रहेंगे। ओके और क्या ऐसा भी लगता है कि अगर टकराव की कभी कोई स्थिति आती है तो जो सत्ता पक्ष होता है उससे इनकी पोजीशन कभी दबेगी नहीं, ऐसा कुछ दिखाई देता है इनकी कुंडली में? जी देखिए, तुला राशि में सूर्य का बैठना तो ये बताता ही है, तुला राशि सूर्य की नीच राशि होती है, उसके साथ उस पे सूर्य का होना, सत्ता का होना, तो सत्ता से तो टकराव इनका बराबर रहेगा, सत्ता पक्ष से ही हमेशा टकराते रहेंगे, क्योंकि वहां मंगल बैठा हुआ साथ में, तो पूरी ताकत से पूरी साहस से उनको लड़ने के लिए वहां पे प्रेरित करता रहता है, और बिना सत्ता से डरे ये सत्ता पक्ष का विरोध जहां कहेंगे उचित समझेंगे वहां विरोध करेंगे। बड़ी बात यह है, मीन का केतु जब लग्न में, राशि लग्न में बैठा हुआ है, और इनके उससे धर्म स्थान बुद्ध और गुण प्रीति हो रही है, तो ये बहुत ही नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले और नैतिकता से पूर्ण और अपने हिसाब से गलत निर्णय नहीं लेंगे, लेकिन जो निर्णय लेंगे पूरी बेबाकी से लेंगे, पूरी ताकत से लेंगे, और उस पर कायम रहेंगे, और जल्दी इनके निर्णय को बदलने पलटने के लिए जो कर देंगे जल्दी, उसके कमियों को निकालना आसान नहीं होगा, लगता होगा कि अपने फैसलों से पलटने वाले नहीं है, मतलब दृढ़ निश्चय है आप ये कह रहे हैं वाले हैं, ना पीछे हटने वाले, ना अपने दिए गए फैसलों डरने वाले हैं, और सत्ता से टकराव हमेशा रहेगा। पहले जो सीजीआई थे रंजन गोगोई, वो तो सांसद बन गए राज्यसभा के, क्या ये भी पॉलिटिक्स में दिखाई देता है इनका भी कुछ रिटायर होने के बाद?
जी, अब हम इसको मोटे तौर पर मान सकते हैं कि पॉलिटिक्स में भी ये जा सकते हैं, नहीं भी पॉलिटिक्स में जाएंगे तो किन्हीं न किन्हीं रूप में ये बने रहेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे और पॉपुलरिटी की गेन करते रहेंगे। अच्छा, ये काफी पॉपुलर रहने वाले हैं मतलब, और लोगों के बीच में रहेंगे लगातार। काफी पॉपुलर रहने वाले हैं और आगे भी ये क्षेत्र में ही आगे, अब हो सकता है न्याय के क्षेत्र में कुछ और ही सोचें, कुछ करें, चुनाव लड़ेंगे। जी ये बहुत अहम सवाल है आपका, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। देखिए चुनाव लड़ने के लिए अब पीछे अब हम अगर राशि कुंडली से ही देखें हैं तो जनता का कारक शनि इनके राजभाव में बैठा हुआ है, कर्म भाव में राजभाव में बैठा हुआ है, तो संभावनाएं हो सकती से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे चल करके पॉलिटिकल में पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, चुनाव लड़ भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये काफी धार्मिक व्यक्ति हैं क्योंकि पूजा पाठ काफी करते हैं। कोई तो जितना इस लोक का ज्ञान है उतना परलोक का ज्ञान है, इतना जितना इनको अपने क्षेत्र का या व्यवहारिक ज्ञान है उतना ही इनको धार्मिक परालौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ये आध्यात्मिक कुंभ है। और केतु, चूंकि केतु की दृष्टि उस स्थान पर पड़ रही है और केतु का दृष्टि नवम भाव पर पड़ना और केतु का लगन में राशि के हिसाब से देखें लगन में बैठना ये काफी ऊपर ले जाता है, पताका के समान ऊपर ले जाता है। मीन राशि केतु की मोच की राशि है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, आगे इनका आध्यात्मिक प्रगति भी बहुत होने वाली है। लेकिन अक्सर जो व्यक्ति इतना आध्यात्मिक होता है उसको अपनी कुर्सी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता है, मतलब वो उसकी लग्जूरियस ट्रैप में नहीं आता है, तो इनका जी 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 मैंने यही बात कही आपसे, मैंने एक ही बात कही ना कि बेबाक होकर के बिना किसी डरे बिना किसी भय के, और ये रिस्क लेने वाले लोग हैं जीवन में। नहीं, मैंने कहा कि इन अक्सर जो व्यक्ति इतना आध्यात्मिक होता है तो वो व्यक्ति अपनी कुर्सी एक बड़े पद पे बैठने के बाद भी उसके साथ एक लगाव उस तरह से महसूस नहीं करता कि वो उस कुर्सी पर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि उसको सच का ज्ञान रहता है। तो आपको क्या लगता है कि ये कुर्सी के प्रति ललायित व्यक्ति हैं या फिर आध्यात्मिक ज्ञान इनका ज्यादा है? नहीं, इनको अपने कुर्सी के प्रति कोई लालसा नहीं है, इनको मतलब बहुत लालसा नहीं है ना, इनकी कोई लालसा कुर्सी को लेकर के या पद को लेकर के कोई लालसा नहीं है, लेकिन कुंडली में जो योग बन रहे हैं इन्हें खुद ही इनको ऊपर लेके जा रहे हैं, अपने आप लेके जा रहे हैं, और ऐसा नहीं योग्यता के कारण ही इन्होंने कुर्सी को प्राप्त किया है, आगे योग्यता के बल पर ही बने रहेंगे, इनको कहीं कतई लालच नहीं है। और चूंकि इनके कुंडली में नागमणि योग बना हुआ है तो धन संपत्ति वैभव प्रतिष्ठा ये इनके आगे आगे चले। नागमणि योग क्या होता है? में क्या होता है, जब राहु की डिग्री शुक्र जो शुक्र से ऊपर हो जाती है तो वो नागमणि योग बना देता है, ऐसा व्यक्ति के पास हर तरीके के सुख सुविधाएं धन प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होता रहता है, इसके लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। अच्छा, बिना प्रयास किए आप बड़े स्थितियों में हमेशा ये होता रहता है। अधिकतर आप देखेंगे अब चूंकि बहुत करीबी अंशों में बन रहा है तो बहुत अच्छा योग है, इसीलिए उतने ऊपर ये जाएंगे, तो जिनके भी कुंडली मिश्रा का योग बनता है वो निश्चित रूप से जीवन में कुछ अलग और अपने क्षेत्र में बहुत ऊपर जाते हैं। तो अभी इनकी कोई महादशा चल रही है या उसमें कोई बदलाव होने वाला है? मैं एक ही बात बता रहा हूँ, जन्म का समय नम होने के कारण हम दशाओं महादशाओं पे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका जन्म समय हमारे पास एक्यूरेट नहीं है, तो हम उसके ऊपर बहुत चर्चा नहीं कर पाएंगे। अब दशाओं का चूंकि अब इनकी कुंडली चंद्र राशि बना रहे हैं तो सारा फड़ावेश हम गोचर के आधार पे इनका हम बना रहे हैं कि ये राशि के हिसाब से ये ग्रहों की स्थिति है और ग्रह इस पोजिशन पे ले जा रहे हैं। और आगे जो हमें दिख रहा है कि चूंकि आगे जो ग्रह की पोजिशन बन रही है, देखिए इनका हो सकता है इनका उत्तरार्ध बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि इनके सारे ग्रह सातवें भाव से लेकर के लग्न के बीच में है, तो इनका उत्तरार्ध बहुत अच्छा जाने वाला है, यानी कि उत्तरार्ध यानी अब जो इनका समय है वो आगे सारा अच्छा जाने वाला है। तो क्योंकि इनके पिता भी देश के सीजीआई रह चुके हैं,
और देखिए शुक्र का थोड़ा सा तुला राशि में जाना नीच का होना, तो देखिए उन्होंने अपने पिताजी के फैसले को ही पलट दिया, पिताजी के ही जो फैसला था समान अधिकार वाला उसको है ना, तो कहीं तो है ही है कि पिता से ऊपर ही इनको जाना है और जाएंगे। तो आपको लगता है कि लोग इनको एक नेता की तरह काफी ज्यादा पसंद करेंगे या फिर इनकी एक अलग छवि जो है वो देश में इतिहास में ये दर्ज कराएंगे इस तरह से? देखिए अब यहाँ पे तो यहाँ पे दोनों बातें बिल्कुल क्लियर दिख रही है, शनि की जो दृष्टि शुक्र के साथ साथ राहु पर भी बढ़ रही है और राहु शनि मिल करके इनका संबंध केंद्र का संबंध है, चार दस का संबंध है। तो अब इससे क्या होता है कि ये संबंध जो बनते हैं, अब क्योंकि ये केंद्र में जनता का भाव भी है, कर्म का भाव भी है, सपूत भाव भी है और दोनों ये ग्रह राहु शनि जनता के बीच में पॉपुलर बनाते हैं, तो इनमें कोई दो राय नहीं, जनता के बीच में ये सेवा भाव से भी जा सकते हैं। ये नहीं कि हमको सत्ता से लेना है, पद लेना, प्रतिष्ठा लेना या हम बने तो ये, लेकिन अब ये जब जाएंगे ना तो ये अपने आप ऊपर हो जाएंगे, इनको ऊपर करने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी अपने आप, जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे। और क्योंकि शुक्र और यहाँ पे शुक्र भी आ गया बीच में, तो शुक्र और शनि का संबंध न्याय के क्षेत्र में ले जाता है, राहु शनि का संबंध पब्लिक के फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में, जनता के फील्ड में ले जाता है, तो दोनों फील्ड के लिए बराबर से खुले हुए हैं। तो यानी कि इतिहास बनाने वाले लोगों में इनका नाम जाहिर है, क्योंकि ऐसे पद पे भी हैं ये, तो ऐसे फैसले कर लेंगे ये जिससे कि बड़ा नाम इतिहास में इनका दर्ज होगा। कभी कोई दुश्मनों से भी घिरे रहेंगे? जी अब देखिए ये बात तो है, जो दुश्मनों वाले हैं ये तो बिल्कुल सही बात आपने कहा, लेकिन दुश्मन अब अगर हम राशि कुंडली कोई ले ले, मीन राशि की कुंडली है, अगर हमें तो दुश्मन भाव छठा तो हुआ सूर्य मालिक हुआ, वो विपरीत राजयोग करके अष्टम भाव में चलाया है, जिसका भी हो गया दुश्मन है, ये हम नहीं कह सकते इनके दुश्मन नहीं है, दुश्मन है पर विपरीत राजयोग में पड़ेंगे, पस्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन जो पीछे लगेंगे पस्त हो जाएंगे, ये दुश्मनों से पराजित होंगे लेकिन दुश्मन लोग रहेंगे इनके, इसमें कोई दो राय। और किसी के दबाव में आने वाले नहीं है ये? तो ये सूर्य मंगल युति दो गर्म ग्रह मंगल सूर्य एक साथ जिसके कुंडली में हो जाए तो आदमी किसी से नहीं दबेगा, दोनों अग्नि तत्व के हैं, दोनों उग्र ग्रह हैं, नहीं दबेगा, कभी नहीं दबेगा, सूर्य आत्मा है और सूर्य जिद्दी भी बहुत है यहाँ पे, तो ये अपने जिद पे आ जाते हैं तो फिर किसी सुनने वाले नहीं है, और मंगल पूरी ताकत देता, पूरी फोर्स से ताकत देता है। तो इनकी कुंडली पर कुल मिलाकर के मतलब पूरी डिटेलिंग भले ही नहीं आपके पास, लेकिन काफी हद तक आपने क्लैरिटी दी है, तो ये कुंडली और आम व्यक्तियों की कुंडली मतलब एक बड़े व्यक्ति की कुंडली, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन और भी कुछ खास कुंडली है ये आपकी नजर में क्या इनकी? देखिए कुंडली विशेष तो नहीं, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जैसे कुछ योग बहुत अच्छे बनते हैं, अब मैंने आपको बताया ना इनकी कुंडली में तीन युतियां ऐसी हैं, बुध गुरु की युति, मंगल सूर्य की युति और शुक्र राहु की युति जो नागमणि योग में ले जा रहा है, तो ठीक है, तो युतियां इतने मजबूत है ये कि एक आम आदमी कुंडली तो हो ही नहीं सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सब लोगों ने जिस तरह से इस वीडियो को आज देखा होगा तो ये समझा होगा कि देश की सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की कुंडली कैसी है, किसी के दबाव में आकर काम करने वाले नहीं हैं और यही जरूरत होती है देश की जो 140 करोड़ जनता है उनके ऊपर एक सर्वोच्च पद पर जो ये है न्यायपालिका में, उससे यही उम्मीद की जाती है कि वो किसी के दबाव में नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।